हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो रिसेंटली आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से इंडिया, यूएस, कनाडा, इनके ट्राई रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, डिग्रेड हुए, ख़राब हुए। काफ़ी सारे इश्यूज थे, खालिस्तानी मूवमेंट थी, कुछ सेपरेटिस्ट लीडर थे। हम सब कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अम्बेसडर्स कौन होते हैं, हाई कमीशंस, हाई कमिश्नर्स, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अब तक जो भी हुआ, ये तीन कंट्रीज के बीच में, इंडिया, कनाडा और यूएसए, तीनों कंट्रीज के लीडर्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी, और इस टाइम पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इनमें से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो चुका है अभी। नरेंद्र मोदी के पास एक अच्छी खासी अपनी ऑलमोस्ट 5 साल की टर्म है। जो बाइडेन जल्दी ही इलेक्शन में जाएंगे, और जो बाइडेन खुद इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, तो उनकी टर्म खत्म है। कमला हैरिस उनकी पार्टी से जीत सकती है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से जीत सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो अगले साल इलेक्शन में जाएंगे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना, इलेक्शन वो इवेंट है जहां से बाकी सारे इवेंट शुरू होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई कंट्री में एकदम से चीजें इतनी बदल क्यों रही है, एकदम से बॉर्डर सिचुएशंस बदल रही हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस बदल रही हैं, तो मतलब कंट्री में इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो शायद इस टाइम पे इंडिया के लिए ये सब चीज़ों को इतना ड्रास्टिकली चेंज करना इतना फायदेमंद नहीं था पॉलिटिकली, पर यूएस के लिए है, कनाडा के लिए तो ऑफ कोर्स है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये दोनों जो आप देख सकते हो, ये असल में है गुरपत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निजर। इनमें से हरदीप सिंह जो रेजर है, एक शूट आउट में डेथ हो जाती है, और यूएस कहता है कि गुरपत सिंह पन्नू को इंडियन गवर्नमेंट अपने एजेंट्स के थ्रू मारना चाहता। ठीक है, तो कनाडा कहता है कि इस इंसान को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एजेंट्स के थ्रू मरवा दिया। यूएस कहता है इस इंसान को इंडियन गवर्नमेंट अपने एजेंट्स के थ्रू मरवाना चाहती थी, पर हमने सारा जो प्लान था उसको फॉइल कर दिया। असल में ये लोग एक असैसिन ढूंढ रहे थे, इंडिया के एजेंट्स एक बंदा ढूंढ रहे थे जो पैसे लेकर ये किलिंग कर सके, और यूएसए के हिसाब से वो जो असैसिन उन्हें मिला वो यूएसए का एक एजेंट था। ठीक है, इस तरह से उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं ऐसा कोई भी नाम नहीं लूंगा जो कहीं से न्यूज़ में निकला कि यूएसए ने बोला ये इंडिया का एजेंट, क्योंकि बहुत सारे नाम आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कोई भी नाम हम कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता। या फिर वैसे भी अगर वो सच में इंसान पहले सेंट्रल पुलिस फोर्स में थे, फिर रॉ में थे, तो इस तरह से उनके नाम को खराब करना बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ यूएसए के कहने पर। ठीक है, तो यूएसए ने क्या चार्ज किया कि इंडियन गवर्नमेंट असल में अपने एजेंट्स के थ्रू आगे लोगों को ढूंढ रही थी जो किसी तरह से गुरपत सिंह पन्नू को मार दें, और यूएस गवर्नमेंट ने यह सारा प्लान खराब कर दिया इंडियन गवर्नमेंट का। ये यूएसए का इल्ज़ाम है। उन्होंने एक नाम, एक फोटो भी वायरल कर दी अपनी तरफ से, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अगर आपको पता लगता भी है ना, आप इस तरह से कभी नाम नहीं बताते। यूएसए ने ये चीज़ भी करी। तो यूएसए देखो कभी भी वो कंट्री नहीं बन सकता जिस पे इंडिया बिल्कुल ही भरोसा करे कि हाँ हम इस कंट्री के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रख सकते हैं। हमेशा यूएस कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करेगा जिससे आपको समझ में लगेगा कि नहीं, बहुत अटेंटिवली ये रिलेशन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएस क्या कह रहा है कि भाई इस इंसान को जो इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, कि इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट, इस इंसान को इंडियन एजेंट्स मारना चाहते थे, और यूएस कह रहा है कि हमने बचा लिया। ठीक है, और अब हम एक इंक्वायरी शुरू करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द रॉ एजेंट्स। ये सब यूएसए का यहाँ पर सुनाई हुई एक कहानी है। ठीक है, ऐसी ही कहानी पिछले कुछ टाइम से कनाडा भी सुना रहा था। कनाडा क्या कह रहा था कि जो हरदीप सिंह निजर है ना, असल में इस इंसान को इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे रॉ एजेंट्स और बाकी इंडियन ऑफिशियल्स ने एक शूट आउट में मार दिया, और हम एज कैनेडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेप्स लेंगे। बहुत महीने पहले ये बात हुई, फिर बीच बीच में बात उठती थी, पर रिसेंटली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो हाई कमीशन है ना कनाडा में, और उसके जो चीफ है, हाई कमिश्नर, वो भी इन्वॉल्व थे। इसका मतलब क्या होता है, देखो इंडिया दुनिया भर में अपनी एम्बेसीज खोलता है ताकि लोगों की ट्रैवलिंग ईजी हो जाए। आप यूएस जाओ, यूके जाओ, रशिया जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, हर कंट्री में उसकी कैपिटल में आपको इंडिया की एम्बेसी मिले। एम्बेसी का चीफ होता है एम्बेसडर। हमारे यहाँ तो आईएफएस सर्विस के लोग एम्बेसडर होते हैं, पर जो
कॉमनवेल्थ ग्रुप की कंट्रीज है ना, इंडिया कॉमनवेल्थ ग्रुप का मेंबर है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस नहीं है। कॉमनवेल्थ ग्रुप की जो कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे के यहाँ पर जब एम्बेसी खोलती है उसको हाई कमीशन बुलाती है और एम्बेसडर को हाई कमिश्नर बुलाती है, ठीक है। तो कनाडा ने हमारे सीधे एम्बेसडर पे इल्जाम लगा दिया कि ये इंसान भी इन्वॉल्व थे, इंडिया के एम्बेसडर भी इन्वॉल्व थे किसमें, हरदीप सिंह निज्जर के पूरे मर्डर प्लॉट, ठीक है। संजय वर्मा इंडियन हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर मतलब एम्बेसडर। अगर आपको नहीं पता, कॉमनवेल्थ ग्रुप में मैक्सिमम वो कंट्रीज हैं जो 100-150 साल पहले ब्रिटिश राज में थी, तो यूएस, इंडिया, सॉरी यूएस नहीं, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कॉमनवेल्थ ग्रुप की कंट्रीज हैं। तो एक दूसरे की यहाँ जब ये एम्बेसी खोलती हैं तो एम्बेसी ना बुलाकर हाई कमीशन बुलाती हैं और एम्बेसडर ना बुलाकर हाई कमीशनर, ठीक है। हाई कमीशन एम्बेसी को, एम्बेसडर को हाई कमीशनर। तो संजय वर्मा इंडियन हाई कमीशन कनाडा, तो कनाडा ने बोला कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला कि भाई हमें इन पे भी शक है कि ये भी असल में उस प्लानिंग में इन्वॉल्व है जिस प्लानिंग में एक सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर को मार दिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग थी जिसमें, सोचो, इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है, जो उसका एम्बेसडर है, वो भी इन्वॉल्व है। जब अब इस तरह से, मतलब जो कनाडा ने किया, आपने तो सिंपली इनकी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी पूरे कनाडा में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनको और बाकी कुछ डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, और दिल्ली में, चनक्यापुरी में जो कैनेडियन हाई कमीशन था, मतलब उनकी एम्बेसी थी, वहां से उतने लोगों को बोल दिया कि आप जाओ, ठीक है, आप अपनी कंट्री वापस जाओ। जब दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना तेजी से गिरे ना, तो ये काफी खराब बात होती है, क्योंकि इतना जल्दी तो हम पाकिस्तान के साथ भी डिप्लोमेटिकली चीजें डाउनग्रेड नहीं करते। अब कनाडा ने जो फर्स्ट स्टेप लिया वही बहुत खराब है, और सोचो जस्टिन ट्रूडो ये करने के बाद बार बार अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ और, कनाडा की इंटरनल कमिटीज के सामने कुछ और, सबसे लेटेस्ट वो कह रहे हैं कि भाई एविडेंस तो नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही करवाया, इंडिया के हाई कमिश्नर इन्वॉल्व थे, एविडेंस तो नहीं था पर लग ऐसा ही रहा था। आप समझ रहे हो कि भाई सारे रिलेशन खराब कर दिए आपने, आपके पास एविडेंस क्यों नहीं, क्यों ये एविडेंस वाली बात कहां से आई? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक ही चीज पर रुकी हुई थी कि आपने एविडेंस दिया हमें, आप बताओ तो सही किस एविडेंस की बात करो। कनाडा के पास कोई एविडेंस नहीं, या फिर कह लो कि बस एक एक बात उन्होंने बना ली है कि ये इंडिया ने ही करवाया, इंडिया पे ही इल्जाम लगाना, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीज समझ पाए कि असल में यहां पर दो इंसान इन्वॉल्व है, एक जो यूएसए कह रहा है कि इस इंसान को इंडियन गवर्नमेंट मरवाना चाहती थी, एक जिसकी डेथ हो चुकी, कनाडा कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने ये पूरा मर्डर प्लॉट किया था, ठीक है। अब कनाडा के साथ तो रिलेशन बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं, यूएसए के साथ क्या हो रहा है? देखो यूएसए के साथ ना अब चीजें डिपेंड करेंगे इलेक्शन पे, मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं कि भाई इंडिया की इंपॉर्टेंट कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा इकोनॉमिकली ज्यादा सोचेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, ये जो सब है इसमें कोई लॉजिक नहीं मुझे दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को शायद आगे ज्यादा पुश ना करें। अगर कमला हैरिस आते हैं, क्योंकि जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है उसी की पॉलिसीज को काफी ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, वो इस इशू को कैसे उठाती है अभी देखना होगा, ठीक है। तो कनाडा के साथ तो इंडिया के रिलेशन एकदम से काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, यूएसए के साथ आप कह लो टेंशन आ चुके हैं। क्यों? जब आप इस तरह की न्यूज दुनिया भर में रिलीज कर दोगे, कोई इंडियन मीडिया हाउस नहीं, अल जजीरा मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, तो अगर इस तरह की आप न्यूज रिलीज करोगे तो बिल्कुल रिलेशंस में जो टेंशन है वो बहुत तेजी से दिख रही है, ठीक है। अब कनाडा के साथ तो चीजें फाइनेंशियली बाकी पैरामीटर्स पे भी बदल रही है, जैसे इंडियन फोर्सेस के लिए कनाडा से एक आर्मर्ड व्हीकल मंगाना था, अब उसकी डील पुश होगी, कनाडा इंडिया में काफी ज्यादा अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता था, अब वो नहीं हो पाएंगे। देखो ओवरऑल जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं इससे क्या होगा, कनाडा की इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आएगी, हमारा क्या नुकसान होगा, डिप्लोमेटिकली इतने ज्यादा वीजाज नहीं मिल पाएंगे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, फैमिलीज को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था तीनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना इंडिया अपने यूएसए के साथ रिलेशन खराब करना अफोर्ड कर सकता है, ना कनाडा के साथ, ठीक है। एक और चीज, कनाडा ने बोला कि भाई इंडिया ने ये पूरा मर्डर प्लान किया, अब यूएसए क्या करेगा? देखो आई होप आपको पता होगा एक ग्रुप है फाइव आइज, इसमें आपको देखने को मिलेगा यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पांच ऐसी कंट्रीज हैं जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करती हैं। इन पांच कंट्रीज का बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर एक कुछ बोल रही है तो बाकी चार सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अभी तक तो कनाडा की कही गई बात पे यूएसए का सपोर्ट है, पर
अब यूएसए से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि क्यों इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने। देखो क्या यूएसए को इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बहुत प्यारे हैं? एक तो बहुत प्यारा है इकोनॉमिक्स। इंडिया 140 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन वाली कंट्री, यूएसए सिर्फ 34 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन वाली कंट्री। यूएस की कंपनीज इंडिया में फ्यूचर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़े प्रॉफिट्स देखती हैं। यूएस या तो हो ना कनाडा यूएसए को प्रूफ करे, देखो ऐसा हुआ। शायद कनाडा ने अब तक यूएसए को भी कोई कंक्रीट प्रूफ तो दिया नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इंडिया को भी दे रहे थे। तो यूएसए में बहुत सारी आवाजें उठनी शुरू होगी कि क्यों इतना बड़ा एक इशू क्रिएट करना, फॉर व्हाट। तो यूएसए के इलेक्शंस कहां जाते हैं ये देखना होगा। कनाडा में मोस्ट प्रॉबली जस्टिन ट्रूडो कंटिन्यू शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एक बहुत सही चीज तरीका तो वो नहीं दिख रहा। जो ऑपोजिशन लीडर है इस टाइम पे कनाडा में, उनकी उनका स्टांस बहुत ही उल्टा है। वो इस टाइम पे चाहते हैं कि भाई अगर कोई सच में कुछ गलत हुआ है तो उसको सॉल्व करें और आगे बढ़े, इंडिया के साथ रिलेशंस को सुधारें। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके जो काम की जितनी चीजें थी वो सब कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। मैं इस तरह की उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता कि असल में ये हुआ था, ये मुझे कहीं सोर्स से पता चला। जो एक्चुअल में चीजें अब तक हुई मैंने आपको सिर्फ वही समझाने की कोशिश करी इन अ टाइम में। ठीक है, तो अभी के लिए कनाडा के साथ तो रिलेशंस काफी हद तक खराब हो चुके हैं। तो कनाडा कह रहा है हम सैंक्शंस लगाएंगे। कौन सी सैंक्शंस लगाएगा कनाडा? यूएसए के डॉलर को वो रोक नहीं सकते, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया और कनाडा के ट्रेड को रोक लेंगे। अब उसमें ज्यादा लॉस इंडिया का है कि कनाडा का है, वो कनाडा को सोचना पड़ेगा। ठीक है, यूएसए के साथ हमारे रिलेशन कहाँ जाते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूएसए की इकॉनमी, यूएसए के डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी है, तो वो एक कंसर्निंग चीज़ है। कनाडा के साथ जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं उससे जो एक बड़ा नुकसान होगा वो होगा डायस्पोरा, जो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या आप जो वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं वो वहाँ रहते हैं, उनको काफ़ी इशू यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे इशू में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, काम का लगा, मैंने आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।